अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर मम्मीज किचन। आज हम बना रहे हैं करेले गोश्त। करेले गोश्त हम बना रहे हैं मटन में, जिसके लिए हमें चाहिए होगा मटन है हमारे पास आधा किलो, 1.5 पाव हमारे पास प्याज है जो तकरीबन 3 अदद हैं, 1.5 पाव ही हमारे पास टमाटर हैं जो तकरीबन 5 अदद हैं, 1 किलो हमारे पास करेले हैं, आधी प्याली हमारे पास ऑयल है जो कि तकरीबन 1.5 से 2 कप है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1.5 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट है, 1/2 टीस्पून हमारे पास हल्दी है और 1/2 टीस्पून हमारे पास धनिया पाउडर है। अब हमने करना ये है कि हमने करेलों को लेके छील लेना है और फिर उसके बाद उसको इस तरह काटना है, ठीक है जी। इसको काट लेना है और इसको तकरीबन थोड़ा सा अंदाजे से आप नमक लगा के आधा घंटे के लिए रख दें और फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह आपने निचोड़ना है, ये अपना कड़वा पानी छोड़ेगा वो निचोड़ लेना है और उसके बाद उसको आपने 3 दफा धोना है और साथ साथ निचोड़ते जाना है। एक दफा धोया, फिर निचोड़ लिया, फिर धोया, फिर निचोड़ लिया, फिर धोया, फिर निचोड़ लिया, अच्छी तरह ये धुल जाएंगे और फिर इनको थोड़ी सी देर के लिए हवा में खोल के रख दें, कपड़ा बिछा के किसी भी पंखे के नीचे और उसको थोड़ा सा फैला के रख दें ताकि इसको फिर हमें फ्राई करना होगा तो फ्राई करने में मुश्किल ना हो। तो चलें चल के बनाते हैं करेले। अब हम मसाला भूनने लगे और फिर मसाला भून के गोश्त को अच्छी तरह भून के फिर हम करेले फ्राई करेंगे और इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं, जो प्याज हमने 1.5 पाव लिए उसी में से हमने थोड़ी सी ले लेनी है और फिर हमने इसमें मसाला भूनना है। प्याज हमारे पास हल्की सी गोल्डन हो गई, अब हम इसमें धनिया डालेंगे। धनिया हमारे पास 1/2 टीस्पून, हल्दी डालेंगे, हल्दी भी हमारे पास 1/2 टीस्पून है। लहसुन पेस्ट डालेंगे, ये हमारे पास 1 टीस्पून है। फिर हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। हमारे पास 1/2 किलो गोश्त है और गोश्त के साथ हम हमेशा की तरह नमक ऐड करेंगे ताकि गोश्त में सही से चला जाए। हमारे पास है 1 टीस्पून नमक। गोश्त को हमने भून लिया, अब हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च। ये हमारे पास 1 टीस्पून लाल मिर्च है और यहाँ पर 1.5 पाव टमाटर हैं जो तकरीबन 5 टमाटरों की तरह है। टमाटर हमने डाल दिए, टमाटरों को हल्की आंच पे आपने अच्छी तरह भून लेना है, पानी थोड़ा थोड़ा डाल के अगर जरूरत पड़े कि मसाला जले ना, और ये अच्छी तरह टमाटर जब गल जाएंगे फिर हम कुकर बंद करेंगे गोश्त के लिए और फिर हम गोश्त को गला लेंगे और उसके बाद जब गोश्त गल जाएगा तो फिर हम फ्राई हुई हुई प्याज और करेले दम पे डाल देंगे, तो हमारे पास करेले गोश्त रेडी हो जाएगा। अब हम इस टमाटरों को गला रहे हैं। ये जो बाकी हमारे पास ऑयल था उसको हम डाल के एक दूसरे पैन में तो करेले और प्याज को फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। अभी करेले फ्राई हो गए हैं, देखिए आप इनका कलर चेंज हो गया है। अगर आपको पसंद नहीं है फ्राई तो आप हल्का हल्का कर सकते हैं, लेकिन जितना हल्का रखेंगे उतनी कड़वाहट और कचैन आएगी, तो आप उसको फ्राई करने से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अपने टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को बिल्कुल कच्चे कच्चे पसंद होते हैं, इनको आपने फ्राई कर लेना है। करेले फ्राई कर लिए हमने, अब हम जो है ना इसी ऑयल में सारी प्याज फ्राई कर लेंगे। प्याज को आपने जो है ना वो गोल्डन या ब्राउन इस तरह आप नहीं करना, सिर्फ हल्का सा कच्चा पकड़ करना है, फिर दम पे डालेंगे तो बहुत अच्छा आपका फ्लेवर आएगा। गोश्त को हमने गला लिया, अब हम ये जो हमने करेले फ्राई किए थे ये डालेंगे और ऊपर से प्याज और जिस ऑयल में हमने फ्राई किए थे वो सारा कुछ डाल के हल्का सा पानी का छिट्टा डाल देंगे और फिर उसको हल्की आंच पे दम पे रख देंगे उस टाइम तक इसको दम पे रखना है जब तक करेले गल जाएं। और अगर आप चिकन में बना रहे हैं
तो आपने मसाला भूनना है अच्छी तरह, और चिकन को भी आपने अच्छी तरह भून लेना है, और फिर ये प्याज और करेले फ्राई करके दम पे डाल देंगे। दम पे ही चिकन भी गल जाएगी और करेले और प्याज भी गल जाएगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है और इस सीज़न की रेसिपी है, तो सीज़न में गर्मी के सीज़न में ही बनाएं तो इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, और आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसको लस्सी के साथ सर्व करें, रोटी के साथ खाएँ, और हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।